स्वागत है दोस्तों आज के इस नए वीडियो में। मैं हूं निखिल। तो आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस का, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल। ये चैप्टर नंबर 3 है और इस वाले पार्ट में जो पहला पार्ट होगा इसमें हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वाले पार्ट को। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट समझते हैं कि ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का कंसेप्ट आया कहाँ से। ठीक है, ये आते कहाँ से। तो सबसे पहले हो जाता है, कोई भी सब्सटेंस है तो उसमें आ जाता है मैटर। ठीक है, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9 में। ठीक है, मैटर के दो पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, मैटर जो भी कुछ होगा वो दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाएगा प्योर सब्सटेंस में, प्योर मैटर में, और दूसरा हो जाएगा इम्प्योर। ठीक है, इम्प्योर वाला का पार्ट जो हो जाता है वो हो जाता है मिक्सचर हो गया। ठीक है, उसके बाद कोलाइडल सॉल्यूशन हो गया, ये सब उसमें आ जाता है। ठीक है, लेकिन प्योर वाला सब्सटेंस में इसको हम लोग वापस से दो पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट इसका हो जाता है एलिमेंट। ठीक है, दूसरा पार्ट हो जाता है इसका कंपाउंड। मैं ये बता रहा हूं कि ये मेटल नॉन मेटल यहां पे आया कहां से। तो कंपाउंड के यहां पे तीन पार्ट हो जाते हैं, जो कि हम लोग इसके पिछले वाला पार्ट में पढ़ चुके हैं, एसिड, बेस और यहां पे साल्ट। ठीक है, एसिड, बेस एंड साल्ट। ठीक है, लेकिन एलिमेंट के यहाँ पे भी तीन पार्ट हो जाते हैं। ये वाला जो पार्ट है एसिड, बेस, साल्ट, ये चैप्टर नंबर 2 था, जहां पे हम लोग इस तीनों के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़े। एलिमेंट के भी यहाँ पे तीन पार्ट हो जाते हैं। पहला पार्ट हो जाता है मेटल्स। ठीक है, दूसरा पार्ट नॉन मेटल्स और तीसरा पार्ट हो जाता है मेटलॉइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस वाले चैप्टर नंबर 3 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। मेटलॉइड भी आएगा इसमें साथ साथ, तो इसको भी हम लेते चलेंगे। तो मेनली इसमें मेन फोकस रहेगा मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो यहीं से मेटल आते हैं। मेटल क्या है? मैटर का ही पार्ट है, प्योर सब्सटेंस होता है। एलिमेंट को तीन डिविजन में किया जाता है, मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड में। तो उसमें मेटल्स पे हम लोग को इसमें पढ़ना, मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम लोग पढ़ना है। तो अब हम लोग ये समझते हैं कि पूरा जो पीरियोडिक टेबल है ये आपके सामने, इसमें मेटल्स का लोकेशन कहाँ पे होता है, कहाँ कहाँ पे आप देख सकते हैं। पीरियोडिक टेबल देख के बता सकते हैं कि ये सारे मेटल्स हैं और बाकी नॉन मेटल है या फिर मेटलॉइड। ओके, तो यहाँ पे आप फोकस करो, यहाँ पे आप जो पूरा पोर्शन देख रहे हो, ये हाइड्रोजन को यहाँ पे आप छोड़ देना। ठीक है, इसके बाद यहाँ एल आई लिथियम हो गया, इसके बाद पूरा नीचे आप देखते चलो। यहाँ पे जो येलो कलर है, ए एल एल्यूमिनियम से यहाँ पे एक डिवीजन लाइन देखो, येलो कलर का यहाँ पे एक डिवीजन लाइन हो रहा है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, इस तरह से जा रहा है। ठीक है, ये जो पूरा डिवीजन हो गया, ये जो येलो वाला पार्ट बीच का, जितना एलिमेंट आप देख रहे हो, ये सारे एलिमेंट है, सबके सिंबल लिखे हुए हैं। ठीक है, और ये नीचे में जितना लेंथेनाइड और एंटेनाइड सीरीज है, ठीक है, ये सब, ये जितने आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे मेटल होते हैं। ओके, अच्छा, अब नॉन मेटल कौन से होते हैं? यहाँ पे आ जाओ, बैंगनी कलर का ये आप देख रहे हो, कार्बन से, कार्बन, फॉस्फोरस, यहाँ सेलेनियम, ठीक है, आयोडीन, एक्टिनियम, ये सब, और इधर पूरा यहाँ तक पूरा लेते हैं, हीलियम वीलियम सब। ठीक है, ये पूरा ये पार्ट, अब प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन वाला पार्ट, ये जो बैंगनी कलर का है, ये पूरे हो जाते हैं आपके नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल आपको समझ में आ गया, पूरा का लोकेशन मैं दिखा दिया। अब कुछ मेटलॉइड आते हैं, जिसमें मेटल का भी कुछ गुण होता है, कुछ नॉन मेटल का भी गुण होता है। तो ऑब्वियस से बात है, दोनों के बीच में रहेंगे। तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर का है, जैसे बोरन हो गया, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टिन हो गया, टेरिलियम हो गया, पोलोनियम हो गया, तो ये जो बीच का जो पार्ट हो, जो ग्रीन में आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये सारे के सारे हो गए आपके मेटलॉइड। ठीक है, तो मेटल यहाँ पे येलो कलर से हो गया, ये पूरा लिथियम, सोडियम, ये पूरा लेते हुए पूरा मेटल हो गया। यहाँ पे ये नॉन मेटल हो गया और यहाँ में मेटलॉइड हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये नीचे जितने होते हैं, ये एंटेनाइड, ये सारे मेटल्स नहीं आ जाते। ओके, तो ये पूरा मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड का मैंने इसमें पीरियोडिक टेबल में आपको दिखा दिया कहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, अब हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं मेटल को। तो मेटल का डिफिनेशन क्या हो जाता है? मेटल्स आर द प्योर सब्सटेंस दैट आर लस्टरस, मैलिएबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल वैसे सब्सटेंस होते हैं जो कि इसमें लस्चर हो, मतलब उसमें चमक हो, मेलिएबल हो, मतलब कि उसको सीट के रूप में डिफाइन कर। अभी ये सारे टर्म्स का डिफाइन आएगा आगे, तो वहां पे हम लोग उसको समझते चलेंगे। फिर उसमें डक्टिलिटी होनी चाहिए और गुड कंडक्टर होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और हीट उससे पास हो जानी चाहिए। ये सारे क्वालिटी अगर किसी चीज में होती है तो उसको हम लोग मेटल्स कहेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जितने सारे जो प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, लस्चरस, मेलिएबल, डक्टाइल, इसको आप अगर ढंग से समझ लो तो यही सारे प्रॉपर्टीज में भी आएंगे, अभी आएगा धीरे धीरे आगे। ठीक है, तो यही डिफिनेशन में भी हो जाता है, यही इसका प्रॉपर्टी हो जाता है। और इसका हम दूसरा डिफिनेशन अगर लिखना चाहे तो यहाँ पर हम दूसरा लिख सकते हैं, मेटल्स आर दोज एलिमेंट दैट हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। वैसे मेटल्स वैसे एलिमेंट होते हैं
कि जिसकी टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे एलिमेंट जिसकी कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, उसको हम लोग मेटल्स कहेंगे। ओके, तो यहाँ पे दो डिफिनेशन है, आप जो चाहो लिख सकते हो, लेकिन पहला वाला डिफिनेशन ज्यादा सही है, ज्यादा सही दोनों ही है, लेकिन इसको आप यूज कर सकते हो। लेकिन आप यहाँ पे भी समझ सकते हो कि मेटल्स वैसे एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ओके, अब मेटल्स में क्या है कि दे आर सॉलिड रहेंगे एट रूम टेम्परेचर, जनरली सॉलिड रहेंगे, लेकिन एक्सेप्शन में एक मर्क्यूरी आ जाता है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में रहेगा, ठीक है। अगर हम रूम में रखते हैं सारे मेटल्स को, सारे सॉलिड के स्टेट में रहेंगे, लेकिन मर्क्यूरी को छोड़ के वो लिक्विड स्टेट में रहेंगे। अभी एक्सेप्शन बहुत सारे आएंगे, उसको भी हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ते चलेंगे। अब हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जो इसका टॉपिक है आज के वीडियो का, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में। तो मेटालिक लस्टर होता है, मतलब एक तरह का चमक होता है उसमें। जैसा यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए एक स्पून का फोटो लगाया, देख रहे हो आप कैसे चमक है। कोई भी चीज आप देख लो, अल्मोनियम का कोई और बर्तन होता है उसमें आप देखो चमक होती है, स्टील का कोई बर्तन होता है उसमें आप देखो चमक होती है। मेटल के आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है, आयरन हो गया, उसके बाद आप सिल्वर ले लो, गोल्ड ले लो, सब में देखो एक अलग टाइप का एक शाइनिंग सरफेस होता है, उसका चमक उसमें रहती है एक अलग टाइप की, उसको कहते हैं मेटालिक लक्षण, ठीक है। अगर मेटल प्योर स्टेट में है तो उसमें एक मेटालिक लस्टर होगी। मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव शाइनिंग सरफेस, चमक होगा, सरफेस जो होगी वो चमकदार होगी, और इस प्रॉपर्टी को, जो चमकदार प्रॉपर्टी होती है, उसको हम लोग कहते हैं मेटालिक लस्टर, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, एक आध दो एक्सेप्शन आते हैं इसको, उसको मैंने अलग से लास्ट में कवर करूंगा। पहले आप फिजिकल प्रॉपर्टी एक एक करके पढ़ लो, सब मेटल में क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी वो सारे दिमाग में चला जाएगा, उसके बाद हम लोग समझ लेंगे एक्सेप्शन क्या होता है। एक्सेप्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है, वही एग्जाम में पूछता ही है ज्यादातर, ठीक है। तो पहले हम लोग प्रॉपर्टी को एक एक करके देख लें, अभी हम एक्सेप्शन पे नहीं जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें समझ में आया, कोई भी मेटल होगा अगर वो प्योर स्टेट में है तो उसमें मेटालिक लस्टर होगी। अब हम लोग दूसरा बात करते हैं हार्डनेस की, ठीक है। जनरली मेटल्स आर हार्ड, ठीक है, जितने भी मेटल्स होते हैं जनरली वो हार्ड होते हैं। आप कोई भी मेटल का चीज एग्जांपल के लिए ले लो, जैसे कि आयरन का एक रॉड ले लो, काफी हार्डनेस होती है उसमें, उसका हार्डनेस को आप इतनी ज्यादा होती है आप उसको एक खरोच तक नहीं लगा सकते। उसी तरह से आप स्टील का कोई चीज ले लो, स्टील का कोई बर्तन ले लो, काफी ज्यादा उसमें हार्डनेस होती है। उसी तरह का कोई भी जितना भी मेटल होता है जनरली उन सब में हार्डनेस बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। लेकिन एक बात और है, हार्डनेस जो है वेरी करेगा मेटल टू मेटल। जनरली ओवरऑल देखा जाए तो हार्डनेस होगी उसमें, लेकिन मेटल टू मेटल उसमें हार्डनेस वेरी करेगी। जैसे कि एल्यूमिनियम आप देख लो और एक आयरन देख लो, दोनों में हार्डनेस का काफी डिफरेंस होता है। दोनों मेटल है लेकिन हार्डनेस में काफी डिफरेंस हो जाता है। उसी तरह से अगर आप देखो तो आप सोडियम को देख लो या फिर पोटासियम को देख लो, ये आप नाइफ के मदद से उसको काट सकते हो, बाकी नाइफ की मदद से नहीं कटने वाला कोई मेटल। लेकिन ये जो अल्काइल ग्रुप वाले होते हैं, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, इसको आप काट सकते हो, एक्सेप्शन में हम लोग देखेंगे। ओके, तो हार्डनेस की बात यहाँ पे हो गई कि फिजिकल रूप में मेटल जितने भी जनरली होते हैं तो वो हार्डनेस उसमें होती है। अब थर्ड प्रॉपर्टी की हम लोग बात करते हैं, मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल टर्म का मतलब ये हो जाता है कि अगर किसी मेटल को अगर हम लोग पीटते हैं, हथौड़े से मार मार के पीटते हैं, तो एक सीट का फॉर्म ले लेगा, ठीक है। ये चीज सब चीज में नहीं हो, बाकी दूसरे एलिमेंट में जैसे नॉन मेटल्स है इसमें ये प्रॉपर्टी नहीं आएगी, ये प्रॉपर्टी सिर्फ मेटल में ही आती है, ठीक है। अगर इसको हम लोग पीटेंगे तो पीट पीट के इसको हम लोग एक सीट में बना सकते हैं। आप जैसे अल्मीनियम फॉयल आता है, आप देखते हो घर में यूज होता है अल्मीनियम फॉयल का, तो वो देखो कितना पतला सीट हो जाता है। उसको कैसे किया, बीट कर करके उसको पतला सीट में बनाएंगे। इस तरह आयरन सीट भी होता है, उसको बीट नहीं किया जाता है बट उसको रोल किया जाता है, लेकिन उसको आप रोल कर सकते हो, उसको एक सीट का रूप आप देख सकते हो। तो ये अगर प्रॉपर्टी अगर किसी चीज में होती है उसको हम लोग मेलिएबल कहते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी मेटल्स में होती है, ऑब्वियस सी बात है कुछ एक्सेप्शन इसमें भी होते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलिएबल मेटल होते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर मोस्ट मेलिएबल मेटल होते हैं, इस कारण इसके सोने चांदी के जो ऑर्नामेंट्स बनते हैं वो सब इससे बनाए जाते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, मेटलॉइड जो इसके जो प्रीवियस प्रॉपर्टी था मेलिएबल, इसी से रिलेटेड है डक्टाइल्स, ठीक है। मेटल्स डक्टाइल्स भी होते हैं, जैसे कि मेलिएबल में होता था कि थिन सीट बना सकते थे, डक्टाइल्स में होता है कि इसको आप थिन वायर का रूप दे सकते हो, इसको खींच खींच के आप वायर का रूप दे सकते हो। द एबिलिटी ऑफ ए मेटल टू ड्रॉन इन टू ए थिन वायर आर कॉल्ड डक्टिलिटी, ठीक है। वैसा मेटल की एबिलिटी जिसमें आप इसको खींच के एक तार का रूप दे सकते हो, तो इसको हम लोग डक्टिलिटी कहेंगे, इस प्रॉपर्टी को हम लोग डक्टिलिटी कहेंगे, और मेटल डक्टाइल कहेंगे, ये मेटल डक्टाइल है। तो गोल्ड इज द मोर डक्टाइल मेटल, ठीक है, सबसे ज्यादा गोल्ड डक्टाइल मेटल होता है, क्योंकि 1 ग्राम आप गोल्ड लेते हो और उससे चाहो तो 2 किलोमीटर लंबा उसको आप खींच खींच के उसका तार बना सकते हो।
तो हाईली डक्टाइल ये होता है। बाकी ऑब्वियस सी बात है, जैसे हार्डनेस में बताया कि मेटल टू मेटल वेरी करेगा हार्डनेस, उसी तरह से डक्टिलिटी भी मेटल टू मेटल वेरी करेगा। एक आध एक्सेप्शन भी आ जाते हैं, मेटल है लेकिन वो ब्रिटिल होता है, डक्टाइल का अपोजिट सबसे ज्यादा ब्रिटिल, मतलब एक हथौड़ा मारो या खींचो तो टूट जाएगा, ठीक है, या तार खींचो तो टूट जाएगा। तो डक्टिलिटी मेटल टू मेटल वेरी करेगी, लेकिन ओवरऑल देखा जाए, बर्ड आई व्यू से अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल देखा जाए तो मेटल्स डक्टाइल होते हैं। ओके, अब हम फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, मतलब कि अगर आप मेटल्स की बात करें, मेटल की यहाँ पे आप बार ले लो, ठीक है, अगर आप यहाँ पे इसको हीट करते हो, ठीक है, यहाँ पे आप इसको हीट करते हो, आयरन का बार ले लिया, यहाँ पे आप उसको हीट कर रहे हो, तो थोड़ी देर में क्या होगा, ये हीटिंग यहां तक पहुंच जाएगी, हीट तो यहीं पे होना चाहिए था, लेकिन ये हीटिंग होते 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 यहां तक आपको यहाँ पे भी हीट फील होने लगी। ऑब्वियस सी बात है, आप कुकिंग वेयर में आप देखो तो कुकिंग करते हो तो आप वहां पे आप जो उसका जो पतीला होता है, उसकी जो हैंडल होती है, वो भी थोड़ा देर के बाद गर्म होने लगती है, तो हीट फ्लो होता है उसमें। इसी तरह से अगर किसी मेटल में अगर हीट फ्लो हो रहा है तो उसको कहेंगे गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और जहां तक बात करें कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट तो होता है, उसके साथ साथ जो मेटल होता है उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो भी काफी हाई होती है। ऑब्वियसली बात है, सारे मेटल पे मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करेगा, कुछ का कम होगा कुछ का ज्यादा होगा, लेकिन ओवरऑल देखा गया है कि ज्यादा ही होती है जनरली मेटल्स की। ठीक है, मतलब कि कितने टेम्परेचर पर वो गल जाता है, लिक्विड स्टेट में, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट मेल्टिंग पॉइंट वही होता है, तो ये जो होता है जनरली हाई होती है, 400 500 से लेकर 1000 2000 3000 तक जाता है, 1000 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। ओके, उसके बाद मैंने जैसे बताया कि ये हीट का गुड कंडक्टर होता है, उसमें अगर हम देखा जाए तो सबसे अच्छा बेस्ट कंडक्टर हीट का कौन सा होता है, तो सिल्वर एंड कॉपर, यहाँ पे याद रखने की बात है, डक्टाइल में गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है, लेकिन सिल्वर एंड कॉपर बेस्ट हीट कंडक्टर होता है यहाँ पे। ओके, लीड एंड मर्क्यूरी की बात करें तो कंपेरेटिवली लो कंडक्टर ऑफ हीट होता है, हीट इसमें कंडक्ट होती है लेकिन उतना ज्यादा नहीं होती जितना अच्छा आप सिल्वर और कॉपर से आप हीट कंडक्शन ले सकते हो। यहाँ पे भी एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया कि एक स्टैंड पे यहाँ पे एक मेटल का एक रॉड ले लिया गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या किया कि एक वैक्स लगा के एक पिन को उल्टा लटका दिया गया, वैक्स से यहाँ पे लिट के, और इस वाले पोर्शन पे यहाँ पे इसको हीट किया जा रहा है बर्नर की वजह से। अब यहाँ पे मेटल है, मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इसलिए हीट यहाँ पे धीरे धीरे फ्लो होते होते, यहाँ पे हीट फ्लो होते होते आगे की ओर बढ़ेगी, और जब यहाँ पे पहुंचेगी हीट तो इसके कारण यहाँ पे जो वैक्स मैंने लगाया था वो वैक्स मेल्ट कर जाएगी और ये पिन है गिर जाएगा। इससे प्रूफ हो जाएगा कि हीट अगर हम लोग यहाँ करते हैं तो हीट फ्लो होते हुए यहाँ तक आ जा रहा है, इसके कारण मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, तो ये इससे प्रूफ होता है इस एक्सपेरिमेंट से। अब हम लोग बात करें, जैसे गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है उसी तरह गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होती है मेटल, ठीक है, तो आप इस तरह का एक बैटरी सेटअप ले लो जिसका एक पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा एक निगेटिव टर्मिनल रहेगा, तो निगेटिव टर्मिनल पे एक क्लिप लगा दो, यहाँ पे सब मेटल का होना चाहिए, वायर भी मेटल का होना चाहिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे दूसरे टर्मिनल से एक बल्ब को अटैच कर लो और एक आगे स्विच लगाते हुए दूसरा टर्मिनल बना लो। अब इसके बीच में आप कोई भी मेटल का सैंपल रखोगे तो बल्ब आपकी सर्किट पूरा हो जाएगा और यहाँ पे बल्ब जलने लगे, इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो जनरली ज्यादातर देखा गया कि मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, हाँ कुछ एक्सेप्शन इसमें भी होते हैं। अब हम लोग बात करें, मेटल्स आर सोरोनस इन नेचर, ठीक है, अगर हम लोग किसी पे मेटल सरफेस पे अगर स्ट्राइक करते हैं, उसको ठोकते हैं, ठीक है, तो उसमें से एक सोनोरस साउंड निकल के आती है, जैसे घंटी का एग्जांपल है, बेल बजाते हैं तो उसमें से सोनोरस साउंड निकलती है, या फिर आप किसी थाली को ले लो उस पर आप हीट करो कोई तो उसमें सोनोरस साउंड निकलती है, घंटी जो स्कूल की घंटी होती है उसमें सोनोरस, तो सारे इसी सिद्धांत पे काम करते हैं, जो मेटल का ही नेचर ही होता है कि उसमें एक सोनोरस साउंड यहाँ पे निकलती है अगर उसको हिट किया जाए किसी दूसरे सरफेस से, दूसरे ऑब्जेक्ट से, तो यहाँ पे ये भी एक इसका प्रॉपर्टी हो जाता है। अब एक्सेप्शनल जो मैंने बात करा था कि हर प्रॉपर्टी का कुछ एक्सेप्शन होता है, तो एक्सेप्शन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल हम लोग बात करने वाले हैं, क्या क्या एक्सेप्शन रहता है। ऑल मेटल एक्सेप्ट मर्क्यूरी, जैसे मैंने बताया जितने मेटल्स होते हैं वो सब सॉलिड स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर में, लेकिन मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है। ओके, ये याद रखना है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार हर एग्जाम में पूछ ही देता है। उसका हम लोग बात करेंगे गैलियम एंड सीजियम, ये दोनों भी का मेल्टिंग पॉइंट, ये जनरली रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं लेकिन जैसे ही आप इसको अपने हाथ पे लोगे ये मेल्ट कर जाए, क्योंकि हाथ में से हीट ले लेगा, हाथ पे रखते ही ये हीट एब्जॉर्ब करेगा और वो मेल्ट हो जाएगा, मतलब कि नियर अबाउट इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है नियर अबाउट रूम टेम्परेचर होता है, हालांकि रूम पे रखने पे ये सॉलिड में रहेगा लेकिन थोड़ा भी इसको अगर हीट करते हो आप तो ये तुरंत ही मेल्ट कर जाएगा, तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होती है,
लेकिन रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहेगा, लेकिन हाथ पे लेते ही ये मेल्ट कर जाएगा। तो दीज टू मेटल विल मेल्ट विल यू कीप ऑन योर काम, हाथ पे अगर जैसे लोगे तो ये मेल्ट करेगा। कौन कौन सा मेटल है? गैलियम और सीजियम, ओके ये भी याद रखना है। और एक्सेप्शन मेटल की बात करें तो अल्काई मेटल, ठीक है, यहाँ पे आप लिथियम पे, यहाँ पीरियोडिक टेबल पे आप देख लो, ये अल्काई मेटल हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। तो यहाँ पे जो अल्काई ग्रुप है पहला वाला ग्रुप, ठीक है, हाइड्रोजन छोड़ के, ये वाला जो है मेटल्स आप जो देख रहे हो, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इन सबको आप नाइफ से कट कर सकते हो, ठीक है। ये इतने सॉफ्ट होते हैं, मेटल्स तो जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शन प्रॉपर्टी आ जाती है क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं, इसलिए इसको आप नाइफ से काट सकते हो। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम को आप नाइफ से काट सकते हो, इसकी डेंसिटी लो हो जाती है और इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी काफी लो होती है। थैंक यू वेरी मच, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले पार्ट में।